हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके भी इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट करते टाइम आपकी स्टोरी में इंग्लिश सॉन्ग आ रहा है, हिंदी सॉन्ग नहीं आ रहा है? जैसा कि मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में कोई फ़ोटो लगाकर सॉन्ग लगाना चाहता हूँ। जैसा कि मान लीजिए ये फ़ोटो मैं इस तरीके से लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश सॉन्ग लगाना चाहता हूं, तो म्यूजिक वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं, तो फ्रेंड्स यहां पर इंग्लिश सॉन्ग आ रहा है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूं, यहां पर हिंदी और भोजपुरी सॉन्ग सारा मिल जा रहा है, इंग्लिश भी सॉन्ग देखने को मिल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इंस्टाग्राम की स्टोरी में सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग देखने को मिल रहा है, तो इसे आप किस तरीके से आप अपने स्टोरी से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको न्यू प्रोसेस में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। और प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम लिखकर। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपके इंस्टाग्राम पर कोई अपडेट आया होगा, तो सबसे पहला काम आपको अपडेट कर देना है। और अपडेट नहीं आया तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने इंस्टाग्राम ऐप को 2 से 3 सेकंड तक इस तरीके से प्रेस करके रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप इन्फो का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक फोर्स स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको ओके कर देना है। देन उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोरेज एंड कैचेस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद पहले आपको क्लियर कैचेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर क्लियर स्टोरेज या क्लियर ऑल डाटा का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पर या ऑल क्लियर डाटा कर दीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, आप जैसे ही क्लियर डाटा या क्लियर स्टोरेज करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ आप अपने इंस्टाग्राम से लॉग आउट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अपने इंस्टाग्राम की आईडी और पासवर्ड डाल के फिर लॉग इन कर लेना है अपने इंस्टाग्राम में। तो फ्रेंड्स, इतना कर लीजिएगा। देन उसके बाद फ्रेंड्स, एक काम आप और कर सकते हैं कि अपने फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करके एक बार रीस्टार्ट रीबूट कर दीजिएगा अपने फ़ोन को, जिससे आपका इंस्टाग्राम की स्टोरी में जो इंग्लिश सॉन्ग आ रहा है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में अगर इंग्लिश सॉन्ग आता है, तो इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो ये ट्रिक अप्लाई करके। तो फ्रेंड्स, ये रही जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।